जिला कांग्रेस कमेटी मंडी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री एवं जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी के दोनों बेटों सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व मंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कहा कि ये शिविर कोरोना महामारी के चलते लगाया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को रक्त मुहैया करवाया जा सके। जिला मंडी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले कई वर्षों से जिला मंडी कांग्रेस मनाती आ रही है और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे से ज्यादा रक्त दान हो ताकि ये रक्त कईयों के काम आए। हमारा भाई बीमार है, हमारी बहन बीमार है, हमारी माँ बीमार है, हमारे पिताजी बीमार हैं। अगर उन्हें रक्त नहीं मिला तो शायद उनकी कहीं डेथ ना हो जाए। तो एक दर्दनाक हादसा होता है, जिस बच्चे के माँ बाप बीमार हों उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही है, अगर उस वक्त अगर ब्लड डोनेशन मिला हो तो वो क्या सोचता होगा अपने मन कि यार रक्त ना मिला इसलिए मेरे फादर नहीं रहे, मेरे माता जी नहीं रहे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज जो ये रक्त दान कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे सहयोगी हैं जिनके सहयोग से आज ये शिविर सक्सेस होने जा रहा है। हम उनका भी धन्यवाद करने जा रहे हैं कि ये रक्त से सबका बोलाता है कि रक्त दान एक महादान है। सबसे बड़ी बात है मेरे दो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों ने आज यहाँ रक्तदान किया है। मैं दोनों पुत्रों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको एक कहने पे इन्होंने कहा कि हम भी रक्त दान करेंगे क्योंकि हमारा रक्त कईयों का काम आएगा। भारत चीन विवाद को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि इस मामले को लेकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आगे बढ़े, हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। उन्होंने चीन द्वारा भारत के सैनिकों पर किए गए हमले की निंदा की। मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि आज वो 70 या 72 की सेना हमारे पास नहीं है, आज हमारी सेना मजबूत है। पूरे वर्ल्ड में भारत की सेना सबसे आगे है, सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। आज आप चाइना को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो डंडे और पत्थरों से वार करते हैं, और हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं उसके लिए हम खेद जताते हैं। और हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरा भारत आपके पीछे है, पूरा भारत आपके साथ है, आप आगे बढ़े पीछे हम। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसी कड़ी में इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ये शिविर लगाया गया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर के निर्देशानुसार मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित हर साल की भांति इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस दफे बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ऐसे दौर में जब कोरोना का संकट, कोरोना महामारी की चपेट में पूरा भारतवर्ष हिमाचल प्रदेश आया हुआ है, ऐसे हालात में रक्तदान शिविर का होना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ऐसे समय में जरूरतमंद जिन लोगों को खून रक्त की आवश्यकता है उन्हें मुहैया करने के लिए कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष सबको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे पुण्य काम करने के लिए सबने अपना योगदान, सबने अपना सहयोग दिया।